कचरा समझ के कूड़े में फेंकने से पहले क्या कभी हमने सोचा है कि जो हम कूड़े में फेंक रहे हैं क्या हम इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कचरे में फेंकने से पहले हमको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, यह है एल्युमिनियम फॉयल जो हम अपने चपाती और परोंठों को लपेटने में यूज़ करते हैं और बाद में हम इसको फेंक देते हैं। चलिए आज हम इसको यूज़ करके देखते हैं। एक भुगोने में पानी डाल के उसमें मैंने ये एल्युमिनियम के फॉयल डाल दिए हैं और अच्छी तरह से इसको गर्म कर लिया है। इसको चाहे तो टुकड़े टुकड़े करके डालिए या चाहे पूरा ऐसे ही डाल दीजिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे अपने चांदी के बर्तन। चांदी के बर्तन इसमें डालेंगे और आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे बर्तन ऐसे निकलेंगे इसमें से जैसे हम अभी नए खरीद के लाए हैं। और अच्छी तरह से इसको यूज़ करेंगे। और ये देखिए, चांदी की पजेब भी कितनी काली हो रही है, इसको भी देखना कितनी साफ़ निकलेगी। और जो हमारे घर में अक्सर चीज़ मिलती है, अक्सर क्या मिलती है, वो है हमारा डिटर्जेंट पाउडर। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच डिटर्जेंट पाउडर और इसको अच्छी तरह से उबालेंगे। और अब हमारा ये उबल के ठंडा हो गया है और अब हम इसमें से अपने चांदी के बर्तन निकालेंगे। ये देखिए, आपको यकीन नहीं आ रहा है ना, ये देखिए कितने साफ़ सुथरे चांदी के बर्तन निकले हैं और हमारे एल्युमिनियम फॉयल भी यूज़ हो गए हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूज कर सकते हैं। ये देखिए कितना साफ़ सुथरा दिया निकला है। ये थोड़ा सा नीचे से इसमें कालस रह जाती है, मैल भर जाता है, वो थोड़ा ब्रश की सहायता से हम इसको साफ़ कर लेंगे। ये देखिए हमारी चांदी की प्लेट कितनी साफ़ निकली है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि हम एक एल्युमिनियम फॉयल से हम घर बैठे अपने समय की और अपने पैसे की बचत कर सकते हैं। ये देखिए, दिया भी कितना साफ, कटोरी कितनी साफ़ निकली है। और ये देखिए चांदी की पजेब कितनी साफ़ निकली है। और इसे कितना टाइम लगा है, 5 मिनट नहीं लगे उबालने में। और हमारी चीज़, हमारे चांदी के बर्तन हमारे साफ़ सुथरे बन गए हैं। हमें सुनार के पास जाने के भी झंझट से छुटकारा मिला है और अपने चांदी के फॉयल को भी यूज़ कर लिया है। ये देखिए, चलिए अब थोड़ा सा जो ये दिया में कालस रह रही है इसको भी ब्रश की सहायता से साफ़ कर लेंगे। हमारे पैसे की भी बचत हुई और हमारे समय की भी बचत हुई। ये देखिए, थोड़ा सा हल्का हल्का ब्रश, क्योंकि चांदी के पजे में वो डिज़ाइन होता है तो उसमें रह जाता है, तो उस ब्रश की सहायता से निकल जाता है, क्योंकि मैल जो होता है ये गल जाता है। ये देखिए हो चुका दिया बिल्कुल साफ सुथरा, ऐसा लग रहा है ऐसा बिल्कुल नया लाए हम दिया भी खरीद के। ये देखिए, अब हम इनको कपड़े से अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। और ये देखिए हमारे चांदी के बर्तन और ये सारी चीज़ कैसे चमक उठी हैं। कितना टाइम लगा है हमें, कुछ भी टाइम नहीं लगा। अब हम अपना दूसरी चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। ये है चाय की पत्ती जो हम चाय बनाने के बाद अक्सर फेंक देते हैं और हम इसको दोबारा भी बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। इसको हमें चाय पानी में डाल के एक चम्मच डिटर्जेंट पाउडर डाल के और इसको उबालेंगे और इसमें डालेंगे हम अपनी चांदी की पजेब। देखिए कितनी काली हो रही है और ये देखिए कितना साफ़ सुथरा इसमें से चांदी की पजेब निकलेगी। बचे ना हमारे पैसे सुनार के पास जाने के और समय भी बचा और घर बैठे हमारी चांदी की पजेब ऐसी हो गई है जैसे हम अभी नई खरीद के लाए हैं। देखिए अच्छी तरह से उबाल लीजिए इसे और देखिए, इसको उबालने के बाद, ठंडा होने के बाद इसमें से निकालेंगे और ये देखिए कितनी साफ़ सुथरी हमारी चांदी की पजेब निकली है। यकीन आ रहा है आपको कि हमने चाय की पत्ती जो हम अपने कचरे में फेंक देते हैं उससे हम अपनी चांदी की चीज़ें कैसे चमकाई हैं और सुनार के जाने से टाइम बचाया और पैसे बचाए हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हमारे घर में जो हम अपनी कचरे में फेंक देते हैं और हम
सोच भी नहीं सकते कि हमारे लिए वो कितनी यूज करने वाली चीज़ें हैं। इसको अच्छी तरह से साफ़ किया, ब्रश की सहायता से भी साफ़ किया और देखिए कितना साफ़ सुथरा निकला है। कपड़े से साफ़ करके पोंछ के देखिए कितनी शाइनिंग मार रही है चांदी की पंजेब।